बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि इन सितारों के टैक्स रिकॉर्ड से भी इनकी असली ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2023-24 की फॉर्च्यून इंडिया टैक्स लिस्ट में शाहरुख खान और अक्षय कुमार की तुलना हर किसी के लिए चौंकाने वाली रही। एक तरफ किंग खान ने सबसे ज्यादा टैक्स चुकाकर अपना दबदबा बनाए रखा, वही अक्षय कुमार इस लिस्ट से बाहर हो गए, जिससे उनके फैंस भी हैरान रह गए। जानिए इस साल की सबसे बड़ी टैक्स लिस्ट में कौन से सितारों ने जगह बनाई और शाहरुख खान ने कैसे बाजी मारी। शाहरुख खान ने 2023-24 में रिकॉर्ड 92 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाकर फिर से साबित कर दिया कि वे सिर्फ रोमांस के नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस के भी किंग है। पठान और जवान की धमाकेदार सफलता ने उनके नेटवर्थ को 6,411 करोड़ तक पहुंचा दिया, जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक बनाता है। वही दूसरी तरफ अक्षय कुमार, जो पिछले साल तक इस लिस्ट में छाए हुए थे, इस बार टॉप 20 से ही बाहर हो गए। आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने 2022-23 में 25 करोड़ रुपए का टैक्स भरा था और सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलेब्स में शुमार थे। लेकिन 2023-24 में उनकी फिल्मों की असफलता का असर सीधा उनकी इनकम टैक्स और टैक्स पेमेंट पर भी पड़ा है। चलिए आपको बताते हैं टॉप 20 सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सेलेब्स कौन कौन से है। शाहरुख खान, इन्होंने 92 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। किंग खान ने बॉक्स ऑफिस और टैक्स की दुनिया में सबको पीछे छोड़ दिया है। दूसरे नंबर पर है थलापति विजय, इन्होंने 80 करोड़ रुपए का टैक्स भरकर तमिल सुपरस्टार ने अपनी लोकप्रियता का सबूत दिया है। तीसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन, इन्होंने 55 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। उम्र के इस पड़ाव पर भी बिग बी का जलवा बरकरार है। चौथे नंबर पर है सलमान खान, इन्होंने 50 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। भाईजान की फिल्मों और ब्रांड्स ने उन्हें टॉप टैक्स पेयर्स में बनाए रखा है। फिर नंबर आता है अजय देवगन का। पांचवें नंबर पर अजय देवगन ने 45 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। फिल्मों और प्रोडक्शन हाउस के साथ अजय की बढ़ती इनकम इसका सबूत है। फिर इसके बाद आता है रणबीर कपूर, जिन्होंने 40 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। बॉलीवुड के चार्मिंग स्टार की लगातार हिट्स ने उन्हें इस लिस्ट में बनाए रखा है। फिर आता है रणवीर सिंह का नाम, जिन्होंने 38 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। इसके बाद आता है आलिया भट्ट का नाम, एकमात्र एक्ट्रेस जो टॉप रही है, इन्होंने 30 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। फिर आता है दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट के बाद दूसरा नंबर, इन्होंने 28 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। फिर क्रिकेट के किंग विराट कोहली, इन्होंने 27 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। फिर कॉमेडियन कपिल शर्मा, जिन्होंने 26 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। फिर आता है शाहिद कपूर का नाम, इन्होंने 18 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। मोहनलाल ने 18 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ने भी टैक्स लिस्ट में दम दिखाया है। फिर आता है प्रभास का नाम, इन्होंने 17 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। ऋतिक रोशन ने 15 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 14 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। पंकज त्रिपाठी ने 11 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। जूनियर एनटीआर ने 11 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। आमिर खान ने 10 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट इस बार लिस्ट में सबसे आखिर में पहुंचे। शाहरुख की पठान और जवान ने 2023 में बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए, जबकि अक्षय की फिल्में इस बार दर्शकों को खासा प्रभावित नहीं कर सकी। शाहरुख के पास फिल्मों के अलावा प्रोडक्शन हाउस, ओटीटी डील्स और आईपीएल टीम जैसे कई स्टोर थे जो उनकी इनकम टैक्स को बढ़ा रहे हैं। अक्षय के लिए भी फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट एक बड़ा कमाई का जरिया है, लेकिन फिल्मों की सफलता का असर उनके टैक्स पेमेंट पर साफ देखा गया। 2023-24 की टैक्स लिस्ट सिर्फ कमाई का हिसाब नहीं है बल्कि मेहनत और संघर्ष को भी दर्शाती है। शाहरुख खान और अक्षय कुमार की जंग ने दिखा दिया है कि बॉलीवुड में हर साल खेल बदल सकता है। एक साल में सबसे ऊपर रहने वाला सितारा अगले साल गायब भी हो सकता है। लेकिन यह भी सच है कि इन दोनों दिग्गजों के फैंस उनके अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कोई भी बाजी कभी भी पलट सकती है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए थिंक 360। नमस्कार।